जी आवाज आ रही है आपकी? जी ये स्ट्रीमयार्ड पे नहीं आ रही है लेकिन आपकी आवाज वहीं आ रही है, जूम पे ही आ रही है शायद। बात नहीं, आप मैं गो लाइव कर रही हूँ, ठीक है? दोनों चीज होंगी, डोंट वरी। ठीक। अलाउ करके लिए आया ना, सही करना। यस याद पढ़ लेना मैम। गुरु नहीं हो रहा, रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। ये बंद कर दें स्ट्रीम यार्ड? हाँ बंद कर, छोड़ो, बंद करिए कोशिश। वो बेसिकली या तो ये है कि वो जूम के साथ नहीं ले रहा है ना, मे बी। हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आधा पौने घंटे बाद डाल लेंगे, ठीक है? रिकॉर्ड करते हैं। देश के समस्त शोषित, वंचित, पीड़ित, बहिष्कृत, पद दलित, व्यवस्था से प्रताड़ित बहुजन समाज के हितेशी और उनके उद्धारक, समता मूलक समाज के पक्षधर, कोल्हापुर के महाराज शाहूजी महाराज के जन्म दिवस की आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज स्वच्छकार समाज की आवाज में हमारे साथ हैं डॉक्टर गुरु प्रसाद, जो लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, न केवल शिक्षण जगत में बल्कि तमाम जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उन सब के बीच में हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। एक ऐसी युवा की आवाज जो समाज में परिवर्तनकारी भूमिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका के बीच में हमारे साथ। हम सब जानते हैं कि आज जो कोल्हापुर के महाराज ने जो शुरुआत करी थी प्रतिनिधित्व देने की, वहां से शुरू हुआ भारतीय समाज और खासकर दलित बहुजन समाज आज शिक्षण संस्थाओं का दरवाजा हो, न्यायाधीश हो, न्यायपालिका हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, इंडस्ट्री हो, तमाम जीवन के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका, निर्णायक भूमिका के रूप में दलित बहुजन समाज एंट्री कर चुका है। हाँ, वो अलग बात है कि हम उसको एक तरह से जो उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए वो प्रतिनिधित्व अभी अधूरा है, जिसके लिए तमाम युवा वर्ग, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे सामाजिक आंदोलनों के मुद्दे पर भागीदारी हो, या तमाम जो जीवन के जो पहलू हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, सारी चीजों को उन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने में एक आवाज जो हमारे बीच में आज है वो है डॉक्टर गुरु प्रसाद। मैं स्वच्छकार समाज की आवाज में डॉक्टर कौशल पवार सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कौशल पवार जी, मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है और मैं तो आपको बहुत वर्षों से फॉलो करता आया हूँ। और जैसा इनिशिएटिव आपने ये लॉकडाउन में स्वच्छकार समाज का लिया है कि किस प्रकार एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स, एक ऑब्जेक्टिव कॉन्वर्जेशन डेवलप हो, क्योंकि अक्सर हमारे लोगों में ऐसा प्रतीत होता है कि हम वैचारिक रूप से कभी भी तटस्थ नहीं रह पाते हैं। आपका स्वच्छकार समाज का जो एक कॉन्वर्जेशन का सीरीज है, मैं मेरे लिए बड़े आभार का विषय कि मैं आज यहाँ आया हूँ और आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेज फॉर दिस इनिशिएटिव and we look forward to this conversation as well.
Thank you so much, sir, for being with us almost 1.5 hours या 1 hour. सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अभी हमने कोल्हापुर महाराज की जयंती को भी एक तरह से मंगल कामनाएं दी, वहां से शुरू हुआ एक पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व का सवाल. लेकिन जो आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, जो तमाम सामाजिक सुधारों आंदोलन के बाद या तमाम हमारे जो फोरफादर रहे हैं, ज्योतिबा फूले का, कबीर का आंदोलन, रैदास का आंदोलन, तमाम हमारे पुरखे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, लेकिन आज जो वर्तमान पीढ़ी है, दलितों के समक्ष आज क्या क्या अवसर है? हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, बाजारवाद हावी हुआ, या यूं कहे कि पूंजीवाद एक तरह से एंट्री कर चुका है. हालांकि हम ये भी जानते हैं कि जो पूरी जो विश्व की जो भाग दौड़ है, जो पूंजीवाद की तरफ एक तरह से लेकर चलता है, उसमें हमारा देश भी अछूता नहीं है और उसमें हमारा समाज भी अछूता नहीं है. इसलिए हमने फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जगह की तर्ज पर हमने डिक्की का निर्माण किया, जो भले ही बहुत बड़ी संख्या में ना सही, लेकिन डिक्की के माध्यम से इंडस्ट्री में पेश कर रहे हैं, मतलब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश में है, प्रक्रिया में है. तो मैं सर आपसे जानना चाह रही हूँ कि वर्तमान पीढ़ी के दलितों के समक्ष क्या क्या अवसर हैं आज के समय जी. यानी देखिए डॉक्टर साहब, जैसा आपने पहले कहा कि साहू जी महाराज की आज जन्मतिथि है, आज एक और महापुरुष की पुण्य स्मृति है. आज स्वामी सहजानंद जी जो कि किसान संघ के संस्थापक रहे और आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके काफी मधुर संबंध रहे, हालांकि उनका जो जन्म स्थान था वो गाजीपुर था, बट बिहार उनकी कर्मभूमि रही और आज पूरा बिहार स्वामी सहजानंद जी की पुण्य स्मृति पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनका नमन कर रहा है. समाज की आवाज भी उनको पुण्य स्मृति पर याद करता है. और प्रतिनिधित्व का विषय, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग बात करते हैं कि अपने समाज की चिंताएं क्या है, तो एक तो अर्बन इंडिया में जो शहरी अपना भारत है, वहां पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट आजकल मैं देखता हूँ डेवलप हो गया और आप भी फेस करती होंगी, एक बहुत बड़ा तबका है जो कि कास्ट ब्लाइंडनेस या कहिए कास्ट डिनायलिज्म. तो जब भी कास्ट बेस्ड कोई कॉन्वर्जेशन की बात होगी, जब भी कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, जब भी डाइवर्सिटी की बात होगी, कि भाई आज के तारीख में जो भी निर्णायक स्थान है संस्थाओं में, in various institutions, whether these are public institutions or the private institutions, how equitably are they represented? वहाँ पे प्रतिनिधित्व में सामाजिक विविधता है कि नहीं है, सबसे प्रमुख चुनौती ये है. दलित समाज के विषयों पे अक्सर आक्रामक रहती है सुप्रीम कोर्ट और हायर जुडिशरी में कहूंगा. हायर जुडिशरी में आप आंकड़े देख लीजिए, वहां भी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है. तो जब भी कास्ट बेस्ड कॉन्वर्जेशन की बात होगी, तो हमारे समाज लोगों को आगे आना होगा, हम लोगों को ये समझना होगा कि ये चर्चा नहीं होगी. एक बहुत बड़ा वर्ग है जो संवाद का गला घोटना चाहता है, वो चाहता है कि भाई ऐसी कोई संवाद हो ही ना, कास्ट डिनायलिज्म है, कास्ट ब्लाइंडनेस है, हम तो जाति प्रथा में मानते नहीं है. अरे भाई, और अक्सर मैं अपने अनुभव से आपको बता दूं कि 95% बार जब भी किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा है कि मैं कास्ट ब्लाइंडनेस का फॉलोअर हूं या मैं कास्ट को नहीं मानता हूं, 95% बार वो लोग सवर्ण समाज के होते हैं. अब शिकारी कह रहा है कि शिकार बंद हो गया क्या? अरे जिसका शिकार हुआ है आप उसको कहने दीजिए कि शिकार बंद हो गया है. तो पहली बात कि कास्ट को एक्नॉलेज कर, कास्ट को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है. जब तक हम लोग कास्ट को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक जो लोग विषय से भटकाते रहते हैं तो भटकाने का काम करते रहेंगे. कास्ट को एक्नॉलेज करने के बाद सोशल डाइवर्सिटी को सुनिश्चित करना अलग अलग संगठनों में, अलग अलग संस्थानों में. एक पुस्तक आई है, इनफैक्ट आपके माध्यम से मैं चर्चा करना चाहूंगा, एक पुस्तक है कास्ट एज अ सोशल कैपिटल, जाति एक सामाजिक पूंजी कैसे है, और एक पुस्तक लिखा है प्रोफेसर आर वैद्यनाथन ने जो कि IIM बैंगलोर में फाइनेंस के प्रोफेसर रहे. उन्होंने कहा है कि किस प्रकार जाति की एक निर्णायक भूमिका होती है एंटरप्रेन्योरशिप में भी. कास्ट नेटवर्किंग है, कास्ट कनेक्शंस है, कास्ट आपका संपर्क है. तो आज के तारीख में आपका संपर्क ही आपका संसाधन है. उन्होंने डॉक्टर साहब एक उदाहरण दिया है राजस्थान के पालनपुर के जैन कम्युनिटी का. उन्होंने कहा कि इस जैन कम्युनिटी में ही जो ग्लोबल ट्रेड है डायमंड का 80%, वो चाहे पॉलिशिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेलिंग हो, तो किस प्रकार डायमंड के ग्लोबल ट्रेड पे 80% का जो कब्जा है वो एक समुदाय का है. और कैसे संभव है? क्योंकि विद इन द कम्युनिटी आपकी हैंड होल्डिंग होती है. अब आप वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप कहिएगा गुरु प्रकाश जी सेमिनार हो रहा है, आप आइए,
उसी प्रकार तो हमारा इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट होगा ना, एक्सचेंज होता है, इम्पोर्टेंट बहुत है कि नेटवर्किंग के माध्यम से कैसे होना। तो हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि कास्ट को एक्नॉलेज करें और कास्ट को सोशल कैपिटल के रूप में हम लोग स्वीकार करें आज, और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करें। कास्ट की बात होगी तो रिजर्वेशन की बात होगी, रिजर्वेशन की बात होगी तो फिर हम लोग पोलराइज हो जाएंगे, कोई समर्थक है कोई विरोधी है। अरे भाई रिजर्वेशन को समझना चाहिए, बेसिकली इसी पे है कि जो आरक्षण का भविष्य है वो कैसा होना चाहिए। आज जिस तरीके से लगातार कभी समीक्षा की बातचीत आ रही है, कभी स्टेट को स्टेक होल्डर की तरह एक तरह से देखा जा रहा है, स्टेट डिपेंड करेगा स्टेट के ऊपर वो अपने स्टेट पर रिजर्वेशन कैसे लागू होना चाह रहा है। दूसरी तरफ एक खास तबका जिसने रिजर्वेशन पे रिट भी डाला सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन को लेके, कि वो वंचित वर्ग है जो रिजर्वेशन को नहीं गेन कर पा रहा, तो उसको उसके लिए उन्होंने रिट डाली हुई है, उसके ऊपर भी एक चल रहा है। और अभी पिछले दिनों हाल फिलहाल जो डिसीजन आया उसमें भी, तो आप क्योंकि खुद ला पढ़ाते हैं, आप कानून के विशेषज्ञ एक तरह से कम एक आप पढ़ा रहे हैं ये चीज, और कानून के ज्यादा जानकार है आप, इससे मैं इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो आरक्षण का जो भविष्य है वो कैसा आपको नजर आ रहा है जी। देखिए डॉक्टर साहब, रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स ये एक ऐसा विषय है जिसपे हम आप तुरंत पोलराइज हो जाते हैं, तो एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इज कंसर्न, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कम से कम दो चीजें होनी चाहिए सरकार की तरफ से। पहला, तो एक श्वेत पत्र जारी हो, एक व्हाइट पेपर ऑन रिजर्वेशन आना चाहिए कि आज तक 7 दशक हो गए हैं, आज तक 7 दशकों में अफर्मेटिव एक्शन से समाज को पूर्णतः कितना लाभ मिला है। पहला व्हाइट पेपर। दूसरा, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेशन है। आप मीडिया देख लीजिए, आप इंडस्ट्री देख लीजिए, आप एंटरटेनमेंट देख लीजिए, आप सिविल सोसाइटी देख लीजिए। मैं तो कहता हूं भारतवर्ष के 7 दशक के इतिहास में आज तक कोई दलित समाज का व्यक्ति कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों नहीं बन पाया, आज तक कोई दलित समाज का व्यक्ति फॉरेन सेक्रेटरी क्यों नहीं बन पाया। ये चीजें ब्यूरोक्रेसी में टॉप पोजीशन की होती हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन पाया है, केजी बालकृष्णन। हमारे प्रोफेसर कितने हैं, हमारे वाइस चांसलर्स कितने हैं, हमारे डायरेक्टर्स कितने हैं, आपको पता है ये बात। तो व्हाइट पेपर निकालने के साथ साथ सरकार को ये भी डेटा देना चाहिए कि उन सेक्टर्स में जहां अभी भी प्रतिनिधित्व नहीं है वहां पे प्रतिनिधित्व को कैसे सुनिश्चित, ताकि नॉर्म्स को कैसे फॉलो करना। दो बात, अगर इन दो बातों को सरकार सहमत होती है या समाज में एक ऐसी आम राय बनती है कि ये दो बातें होनी चाहिए, उसके बाद आरक्षण पर समीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। और अगर आरक्षण पे समीक्षा की चर्चा होगी तो समीक्षा की आवाज समाज के विदिन आनी चाहिए। इफ देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म्स इन रिजर्वेशन, देन द वॉइस ऑफ दैट रिफॉर्म मस्ट कम फ्रॉम विदिन द कम्युनिटी। दैट इज माय स्टेटेड बिलीफ। कम्युनिटी के अंदर से आवाज आनी चाहिए, शेष समाज ये बोलेगा कि नहीं भाई अब रिफॉर्म करिए, अब इसको अब ट्वीक करिए, ऐसा नहीं है। भाई जो समाज इससे लाभान्वित है तो समाज को आगे आके बात करनी चाहिए कि हाँ अब आरक्षण में समीक्षा की जरूरत है, जो कि 3 पीढ़ी तक आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, तो जो हमारे भाई हमारे बहन जो पीछे छूट गए हैं उनको भी लेकर के आना दायित्व किसका है, हमारा है या शेष समाज का है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से समीक्षा हो, लेकिन समीक्षा की जो लीडरशिप हो, जो रिफॉर्म की लीडरशिप हो, वो कम्युनिटी के विदिन आए। और समीक्षा पे परिचर्चा से पहले ये दो चीजें आप सुनिश्चित करिए कि व्हाइट पेपर निकल गया है, और दूसरा वो सभी क्षेत्र जहां प्रतिनिधित्व अभी नहीं है वहां प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, सभी समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आगे इसी में ही बीच में मिलाना चाह रही हूँ कि आरक्षण समावेशी कैसे बने, ये एक हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल बनता है। आप इसको कैसे देखते हैं, समावेशी अप्रोच कैसे हो रिजर्वेशन को समावेशी करना है, इंक्लूसिव करना है। मैं तो अपने समाज के लोगों का उदाहरण देता हूँ। हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं, वो स्वयं संसद में है, उनका पुत्र संसद में है, उनका भतीजा संसद में है, उनका भाई संसद में है। तो जब तक इस मानसिकता से हम लोग ग्रसित रहेंगे तब तक हमारा जो आरक्षण है वो समावेशी नहीं होने वाला है। हम लोगों को आगे आना होगा। हम लोगों को बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि समाज के विदिन बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं। #NoMore4 NoMore4 का अर्थ है कि समाज के कुछ लोग आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस परिवार ने 3 पीढ़ी तक आरक्षण का लाभ ले लिया, 4थी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ देना अगर पड़ रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है। बट दिस वॉइस ऑफ रिफॉर्म, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये वॉइस ऑफ रिफॉर्म अगर आएगा तो कम्युनिटी के विदिन आना चाहिए,
और दूसरा उन सब क्षेत्र जहां अभी भी प्रतिनिधित्व नहीं है वहां भी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए. बट वी हैव टू टेक द लीडरशिप, यू एंड मी, पीपल लाइक यू एंड मी, बिकॉज यू आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम इन पटना यूनिवर्सिटी, एंड वी शुड कम अहेड एंड वी शुड लीड दिस कॉन्वर्सेशन ऑन रिफॉर्म्स एंड रिजर्वेशन. मिलिंद कांबले जी कहते हैं कि हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वेंशनल कॉन्टूर्स में जो संविधान ने हमें एक सुविधाजनक सीमा दी है उसके अंदर ही हम लोग प्रॉस्पर करते हैं. देश बढ़ रहा है, नेशनल ग्रोथ स्टोरी में हम लोग पार्टिसिपेट कैसे करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे जाएं, हम सिविल सोसाइटी में कैसे जाएं, हम इंडस्ट्री में कैसे जाएं, इसको सोचना चाहिए. और जब हम लोग साथ में मिलकर सोचेंगे, जब समाज और सरकार का संवाद होगा, तो आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा. सर मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो खासकर जो स्वच्छकार समाज से संबंधित जातियां हैं, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ लेना तो दूर की बात है, उससे वो शिक्षा के संस्थाओं तक ही नहीं पहुंच पा रही, वो प्रतिनिधित्व दूसरी इंडस्ट्री में या दूसरी जगह पर छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक बुनियादी जो जरूरत होनी चाहिए वो भी उनको नहीं मिल पा रही. मैं अगर जातियों के नाम भी गिनाना चाहूँ आपको, जो हमारे डोम जाति है, गड़िया लोहार जाति है, या घुमंतु जो जातियां हैं, या ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी जो बिल्कुल मतलब रिमोट एरिया में रहती हैं, या जो जो ऐसी जातियां जो 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 मुख्य धारा जिसको हम कह सकते हैं, हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करती शब्द का, लेकिन फिर भी एक आम बोलचाल की भाषा में क्योंकि ये प्रयोग किया जाता है, ये जो स्वच्छकार समाज से संबंधित तो जो जातियां हैं जिनके बीच में ये गहरे से बैठ चुका है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन का लाभ जो दिया है वो लाभ इन जमात तक नहीं पहुंच पाया, और मुझे लगता है उनका ये गुस्सा या विरोध या ये कहिए कि जो बार बार इसके ऊपर बात करते हैं वो कहीं ना कहीं जायज भी है. मतलब आप इसको साइकोलॉजी ऑफ डिप्राइड सेक्शन कह सकते हैं. मतलब चाहे हम लोग वी आर ह्यूमन बींग, हम लोग जब मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, आप पटना यूनिवर्सिटी में, और एक आम आदमी जो सुबह सुबह हमारे घरों में कूड़ा उठा के लेके जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं तो नजर आएगा ना कि मैं भी उसी कम्युनिटी की हूँ, दूसरे लोग भी उसी की कम्युनिटी के हैं. बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये अधिकार दिया हुआ है, फिर ये हमारे लिए क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं दिया जा? उनके लिए ये बड़ी बात नहीं होती कि वो पहले ये सोचे कि अधिकारों को लेने के लिए आपको पहले उस योग्य भी होना पड़ेगा, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, आप लाइन में लगेंगे तब ना रिजर्वेशन का लाभ लेंगे, सीधी सी बात है. लेकिन ये चीज उनके उनके इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास ना ही अवसर इसलिए नहीं क्योंकि वो उस योग्य नहीं, और ना ही चेतना तब आएगी जब एजुकेशन होगी, उनके पास एजुकेशन है नहीं. लेकिन हम आप और हम लोग जो हम लोग बातचीत करते हैं, इस चीज को एड्रेस कैसे किया जाए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है. क्योंकि इसको आप अगर मैं सीधा ये कहूँगी कि नहीं रिजर्वेशन का आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए, तो ये सवाल कहीं और चला जाता है. फिर तमाम दूसरी जातियाँ जातिवाद भी कहेंगे, या ये कहेंगे कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, या ये कहेंगे कि आप लोग आरक्षण विरोधी हैं, आप उस मतलब जो एक जमात है जो आपको मोहरा बना के काम करवाना चाह रही है, तमाम गद्दार हैं, फलां ढिकड़ा मुका बहुत सारे यूज करते हैं. लेकिन हम ठहर के नहीं सोचना चाहते कि इसमें आखिर एड्रेस कैसे किया जाए, फिर ताकि उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो. आपने अपनी ही बातचीत में कहा ना कि हम खुद ये तय करें कि जो लोग जो थोड़े बढ़ चुके हैं या हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक पहुंच चुके हैं, हम कम से कम ये आपस में बैठ के इसके ऊपर कुछ सोचें. लेकिन ये हम उनको एड्रेस कैसे करें, ये मेरा आपसे सवाल है. बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने डॉक्टर साहब. और बिहार में एक जाति होती है मूसर समाज, मूसर समाज मांझी समाज होते हैं, और मैं पिछले साल एक पहले जीतन राम मांझी जिस कम्युनिटी से आते हैं, जीतन राम मांझी जिस कम्युनिटी से आते हैं, मैं पिछले वर्ष एक व्यक्ति से मिला, डॉक्टर हुलेश मांझी. आपको जान के ताज्जुब होगा that Dr. Hulesh Manji was the first person in the Manji community to complete his PhD. आज भी 21वीं सदी के भारत में भी कुछ-कुछ समाज, कुछ-कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका representation civil services में नहीं है. जब मैं कहता हूं नहीं है, मतलब zero है. आप खुद देख लीजिए कि मांझी समाज का एक लड़का
जो कि पीएचडी करता है डॉक्टर हुलेश मांझी, वो स्वयं में कितनी बात है। तो आई एम हैप्पी दैट यू रोज दिस कंसर्न्स ऑफ द कास्ट एंड द कम्युनिटी हु आर लेफ्ट बिहाइंड, हु आर मैसिवली लेफ्ट बिहाइंड, एंड द ड्यूटी इज ऑन आवर शोल्डर। ये हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि जो हमारे भाई बहन जो पीछे छूट गए हैं उनको हम लोग आगे कैसे लेकर के आए। लेकिन एडुकेशन के साथ साथ जो मेरा अपना मानना है, और आपकी इसमें अलग राय हो सकती है, कि बाबा साहब ने एडुकेशन का तो रोल बताया है, बट एडुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, जो समाज के अलग अलग स्किल्स थे, जो समाज के अलग अलग हुनर थे, जो हम लोगों ने छोड़ दिया। मैं बताता हूं आपको, हम लोगों का काम था चमड़ा का, हम लोगों ने छोड़ दिया, बाटा ने ले लिया। हम लोगों का काम था लोहा का, हम लोगों ने छोड़ दिया, टाटा ने ले लिया। तो टाटा और बाटा जब हमारे काम को छोड़ रही हैं, आज भी आप देखिए सैनिटेशन का काम हम लोग का था वो मैकेनाइज हो गया है। तो जो सैनिटेशन का काम है, जो मैला ढोने का काम है, उसको आप मैकेनाइज करिए ना, लेकिन जो हुनर से संबंधित काम है आप देख लीजिए इंटरनेशनली। आप तो कई देशों में जाती हैं, आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली बहुत बड़ा मूवमेंट बना हुआ है हलाल सर्टिफिकेशन का। जब तक कोई मीट हलाल नहीं होगा तब तक लोग उसको खाना नहीं पसंद करते हैं। संस्थागत रूप से आप देखें कि झटका मीट के व्यापार में कौन लोग थे, खटिक समाज के लोग किस समाज में आते हैं, कसाई समाज के लोग किस समाज में आते हैं, दलित समाज में आते हैं। तो हम लोगों का यह कर्तव्य नहीं बनता क्या कि झटका सर्टिफिकेशन के लिए कम से कम देश में एक मूवमेंट हो। आज देश में एयर इंडिया है, चाहे बहुत सारी कंपनियां हैं, वो भी हलाल मीट मांगती हैं। अरे हलाल मीट को प्रमोट करके आप झटका को दबा रहे हैं, और झटका को दबाने के साथ साथ आप एक बहुत बड़े वर्ग का गला घोट रहे हैं, क्या आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है? तो ऐसे स्किल बेस्ड डेवलपमेंट अलोंग विद एडुकेशन, मैं एडुकेशन के महत्व को कभी भी सेकेंडरी नहीं कह रहा हूं, बट एडुकेशन के साथ साथ जो हमारा आपका स्किल है, जो हमारा आपका हुनर है, उसको भी हम लोग कैसे एक्सपोज करें। और आने वाला समय, आप दिल्ली में हैं, आप देखती होंगी कि सिर्फ एडुकेशन से बात नहीं बनने वाली है, एडुकेशन के साथ साथ आपका आर्टिकुलेशन कैसा है, आप लिखती कैसे हैं, आप लगातार आप निरंतर अपने स्किल्स पे काम कर रही हैं। उसी प्रकार जो हमारे समाज के कन्वेंशनल स्किल्स थे उसको हम लोग क्यों त्यागे, उसको मॉडर्नाइज करके, उसको एडुकेशन के साथ हम लोग समन्वय उसका करके किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज government jobs are evaporating, you would realize that, like you said, after the 1991 liberalization, privatization and globalization, the LPG era, the private players have come, and in the private system where market forces play a dominating role, your value as a skill provider is very important. So education ke sath sath skill development ka hum log chinta kaise kare, aur in sabhi jatiyan jo piche chhoot gayi hain, बाकी शेष समाज का है, उससे पहले हम लोगों को आगे आकर के एक संगठन बना करके, एक समन्वय बना करके आगे बढ़ना होगा। और बिल्कुल यह हमारा दायित्व है, बिल्कुल यह हमारा कर्तव्य है, जो डोम समाज, जो मूसर समाज, जो कसाई समाज, जो खटिक समाज जो पीछे छूट गया है, उनको हम लोग मुख्य धारा में कैसे लेकर के आए। हमारे यहाँ बिहार में पासवान जाति बहुत डोमिनेंट है, तो इसका क्या मतलब है कि सब सारे बेनिफिट्स पासवान जाति के पास जाएगा, डोम समाज के पास नहीं जाएगा? नेशनली चमार जाति जो चमकार समाज के लोग हैं वो बहुत डोमिनेंट है, पर जो नॉन चमार दलित्स हैं उनके पास आरक्षण के लाभ नहीं जाएगा। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन ऑन हाउ डू वी मेक द रिजर्वेशन बेनिफिट्स रीच वेयर इट इज मोस्ट नीडेड, वेयर इट इज डिजर्व्ड बाय द पुअर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। कौशल जी, एक तरह से हम इसको ये कह सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के मोमेंट के बाद उनका मूल मंत्र जो था शिक्षा, इससे आगे बढ़कर हम स्किल तक भी पहुंचना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि वैसे भी बाबा साहब अंबेडकर का जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, मतलब आप उनसे आगे, तो उन्होंने भी खुद का चाहा था ना कि मेरे कारवा को आगे लेके जाए, तो आई एम एग्री ऑन दैट पॉइंट कि हम थोड़ा आगे चले। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें स्किल, लेकिन सर मेरा सवाल यहाँ अभी भी एक और आपसे है, वो ये कि हम सब जानते हैं कि जब जब जो जो पेशे हैं हमारे, जब जब वो पेशे इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, तब वो दूसरी कम्युनिटी उसको ले लेती है, चाहे वो बाटा हो चाहे टाटा हो। इवन अब जो मेन हॉल को साफ करने का जो मैकेनिज्म हमारे सामने आया दिल्ली और हैदराबाद में, जैसे अभी पिछले दौरान हमारे साथ चर्चा में थे मिलिंद कामले, उन्होंने ये पूरी तरह से बताया, और मैं खुद दिल्ली में गवाह हूँ कि 300 मशीन इसके लिए आई। तो क्या हम इसको ये कहें कि पेशे जब तक पेशे के रूप में रहते हैं तो ये जातियां जो खासकर दलित और बहुजन जाति है वो रखती है, लेकिन जैसे वो इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो वो पेशे ना होके उद्योग बन जाता है। तो यहाँ हमारी जो कमजोरियां हैं हम उसको कैसे फिर एड्रेस करें,
क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं मशीन का ही एग्जाम्पल लूँ, तो हमारे लोग सबसे पहले तो यही कि वो टेक्नोलॉजी उनको आनी चाहिए, कि उसको कैसे रन करें। दूसरी चीज उनको एक तरह से फाइनेंस कैसे होगा मशीन लेने के लिए, मतलब एक उद्योग खड़ा करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो सारी टर्म कंडीशन आपको जानकारी होनी चाहिए उसकी। फिर आप उसको कैसे बेनिफिट की तरफ लेके जाएंगे, ये भी एक अपना इंडस्ट्री की अपनी एक कल्पना होती है जिससे आगे बढ़ती है कोई भी कंपनी या कोई भी उद्योग। तो इसको फिर हम क्या करें, ये तो बहुत गहरा पेच है कि हम एक तरफ से तो ये कह रहे हैं अच्छी बात है स्किल है हमारे पास, लेकिन उसको स्किल को हम कैसे इंडस्ट्री में बदलें। अभी पिछले दिनों हमने रूप नारायण सोनकर का एक उपन्यास हम लोगों ने पढ़ा सुअरदान, तो उसमें जो पात्र है वो पूरा पिग फार्म चलाता है और वो बहुत बड़ी संख्या में रिचेस्ट आदमी बनता है। तो यहाँ ये कहने में तो बड़ा एकदम अच्छा लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन वो जातियां जो सूर्य पालने का काम करती हैं वो तो इसको पिग फार्म की तरह तो कम से कम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसमें जो बीच में जो गैप रह जाएगा उसको एड्रेस करना ही हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इसको आप कैसे देखें? ये देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए हैं। पहला तो हम लोगों का हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग कैसे हो। कागज पे तो बहुत सारे काम है, कागज पे भाई बोल दिया गया कि स्टैंड अप इंडिया है, वो सब कुछ है, बैंक ब्रांचेस है, वो सरकार की अपनी पॉलिसीज है, हम सब जानते हैं। यहाँ स्वच्छ भारत अभियान, उससे पहले निर्मल भारत अभियान चला था, ऐसा कोई सफाई कर्मचारियों की या मेन हॉल में मरने वालों की संख्या कोई कम नहीं हुई, लगातार जा रही है, वो एक एक वो सरकार के पॉलिसीज का। हालांकि मैं इस पॉइंट पे एग्री करती हूँ कि जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है और अगर इंडस्ट्री उस पॉलिसी को कैप्चर कर लेती है तो ये बेनिफिट है इसके लिए। कोई भी सरकार हो, सरकार का समर्थन नहीं कर रहे, कोई भी सरकार रही हो, लेकिन जब इंडस्ट्री की तरफ कोई पेशा अगर जा रहा है और सरकार उसमें किसी भी तरह की कोई मदद अगर देती है या उसकी पॉलिसी के अंदर आता है, जैसे मैं इसको सॉरी आपसे थोड़ा और एलोबरेट करना चाह रही हूँ, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे हमें ये जो वेलफेयर ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट में, मैं जैसे मैं गांव से थी, तो हमारा जो वेलफेयर ऑफिस था हमें वो स्टाइपेंड देता था, तो उस वक्त का वो स्टाइपेंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और किताबों के नाम पे हमें स्टाइपेंड मिलता था, स्कॉलरशिप एससी एसटी का स्कॉलरशिप, जो हरियाणा में क्योंकि एसटी नहीं था तो एससी को स्कॉलरशिप दिया जाता था, तो हम उसको लेते थे, ठीक है, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता था, क्योंकि आपके लिए बहुत छोटी चीज हो सकती है, मेरे लिए भी बहुत छोटी चीज हो सकती है, लेकिन वो जो विद्यार्थी है और विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसके जो मजदूर है माँ बाप, और उसको अगर पढ़ाई में अपनी ये छोटी सी भी मदद मिले तो बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी मदद थी उस समय की। तो मैं फिर आपसे वही लौटती हूँ कि इसको कैसे फिर देखें आप, हम कैसे एड्रेस करें इसको एज बीइंग अ दलित इंटेलेक्चुअल। Yes, 100%, 100%, मुझे लगता है कि, और ये क्वेश्चन हमें एड्रेस करना चाहिए कि पॉलिसीज का ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन कैसे हो। ये पॉलिसी सुनने में और कल्पना में तो बहुत अच्छा लगता है, बट समहाउ, और मैं आपको बता दूं कि आज से पहले जो दलितों के लिए नीति निर्धारण होते थे उसमें दलितों की राय नहीं ली जाती थी। आज कम से कम आपका कॉन्वर्जेशन देखा मैंने मिलिंद कांबले जी के साथ, बड़ा अच्छा कॉन्वर्जेशन था। मिलिंद कांबले जी इज द स्टीयरिंग कमिटी मेंबर ऑफ स्टैंड अप इंडिया। आज से पहले ऐसा होता था क्या? आज से पहले भोपाल डिक्लेरेशन हुआ और दलित कैपिटलिज्म की बात हुई, बट नेवर बिफोर वाज अ दलित गिवन अ पोजीशन इन पॉलिसी मेकिंग एज वेल। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, दिस इज समथिंग व्हिच इज इवॉल्विंग इन नेचर। ये इवॉल्व होगा समय के साथ साथ, बट ऑन ग्राउंड जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, ऑन ग्राउंड जब तक कैंपेनिंग नहीं होगी, बहुत हिचक होती है, हम लोगों के मन में हिचक होती है। मैं पहली बार, मतलब वो तो साइकोसिस होता है ना, कि भाई मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कोई दलित पहली बार बैंक जाकर के फॉर्म लेगा, फॉर्म भरेगा, हस्ताक्षर करेगा, और मन में कितने सारे इनहिबिशंस होंगे कि ये अफसर मुझे डांट ना दे, ये अफसर मुझे गाली ना दे दे। ये साइकोसिस है और ये साइकोसिस स्वीकार करते हैं हम लोग। नहीं, पहली बार विदेश गया, मैं बता सकता हूँ आपको इस कॉन्वर्जेशन पे, मैं बड़े बड़े झालर देख के घबरा जाता था कौशल जी, मुझे घबराहट होती थी। मैं बिल्कुल, मेरे फादर प्रोफेसर, मेरी मदर प्रोफेसर, मेरे दादाजी को भी सरकारी नौकरी मिली, मैं भी, अगर ये साइकोसिस हमारे मन मस्तिष्क में ये बात है, तो आज मैं कैसे कल्पना कर लूं कि कोई रैंडम व्यक्ति
व्यक्ति जो दलित समाज से आता है वो स्टैंड अप इंडिया के बारे में समाज में पढ़ करके सुन करके बैंक में जाए और उसको अपमानित होने का बोध ना हो. इसीलिए आई अग्री विथ यू एंड आई थिंक देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंटिंग मेजर्स अलोंग विद द पॉलिसीज, हैंड होल्डिंग. जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आर वैद्यनाथन जी ने अपनी पुस्तक में कहा है, हम आप बात करके एक सोशल नेटवर्क कैसे खड़ा करें. डिक्की ने आज क्या किया है? डिक्की ने आज करीब 25 प्रांतों में 10,000 से अधिक मेंबरशिप बना ली है. अब गुजरात के किसी एंटरप्रेन्योर को जो दलित समाज से आता है, कपड़े की जरूरत है या लेबर की जरूरत है, तो बिहार के डिक्की मेंबर से संपर्क करता है और बिहार का डिक्की मेंबर उसको रॉ मटेरियल कहिए, लेबर कहिए, प्रोवाइड करता है. सो द आइडिया ऑफ 21st century, मैं बार बार इस बात पे, और आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो रियलाइज दैट द पावर ऑफ सोशल नेटवर्क, द पावर ऑफ कनेक्शन, वी हैवंट रियलाइज्ड. हम लोगों के समाज में अभी भी ये भाव है कि भाई कौशल जी ऊपर जा रही हैं, कौशल जी को सोशल मीडिया में ज्यादा लोकप्रियता मिल रही है, तो हम कैसे सोचें कि कौशल जी को लोकप्रियता कम मिले, जबकि मुझे ये सोचना चाहिए कि भाई कौशल जी की लोकप्रियता में हम भागीदारी कैसे बने, मेरी लोकप्रियता में कौशल जी भागीदारी कैसे प्राप्त करें. सो दिस फीलिंग ऑफ कमराडरी, दिस फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, दिस फीलिंग ऑफ फेलोशिप इज मिसिंग इन आवर कम्युनिटी, इज मिसिंग इन आवर कास्ट. सो आई थिंक वंस वी एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ सोशल नेटवर्क, start realizing the value of the potential behind connection. संपर्क का क्या असीम संभावना है, मैं तो लाभान्वित रहा हूं इस वजह से. इसलिए मैं चाहता हूं, मैं जहां जहां जाता हूं ये बात कहता हूं कि भाई मित्र बनाइए, हर समाज से मित्र बनाइए. कब कौन कहां काम आ जाएगा इस आधार पर मित्र ना बनाइए कि आपको काम निकालना है, लेकिन मित्र आप हृदय से बनाइए. कब कहां किसकी जरूरत पड़ जाएगा आप जानती नहीं है. इसीलिए विद द गवर्नमेंट आई थिंक स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंटिंग मेजर्स वुड ऑल्सो बी एप्लीकेबल एंड एवरी पॉलिसी विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दलित अपलिफ्टमेंट मस्ट हैव अ दलित स्टेक होल्डर एज वेल. नॉन दलित दलित की समस्या कैसे जानेगा? आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे इतना आक्रामक क्यों रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटीज एक्ट कहिए, आरक्षण कहिए, सब पे अपना विरोध जताया है, बट क्या सुप्रीम कोर्ट में एम्पैथी है? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति समाज से आता है? आज भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कुछ, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, 56-57 परिवार है जिनका वहां पे स्वामित्व है, जिनका वहां पे वर्चस्व है. दलित समाज के पिछड़े समाज के कितने लोग हैं वहां पे? इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेंस ऑफ एम्पैथी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ सोशल नेटवर्क. मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रही हूँ कि आज का जो हमारा यंग, जो दलित है, जो युवा वर्ग है, जो एक तरह से इंटरेस्टेड है पॉलिटिकल पार्टियों में भी, ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैसे भारत को देखता है आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का युग है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक एक जमाने में जब कोई एट्रोसिटी होती थी गांव देहात में, तो उसमें वहां तक पहुंचते हुए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज जो यंग जो ब्लड है हमारा, खासकर दलित, वो कैसे भारत को देखता है विश्व पटल? नहीं नहीं, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये विषय तो मेरे हृदय के बहुत करीब है. मैं जॉर्ज फ्लॉयड केस को फॉलो कर रहा था, ब्लैक लाइफ मैटर्स का जो यूएस में हुआ है, उसके अध्ययन में मुझे कौशल जी पता चला कि अमेरिका में भी जो रेशियल मूवमेंट है उसमें दो धाराएं हैं. एक धारा है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की और दूसरी धारा है मैल्कम एक्स की. अब मार्टिन लूथर किंग की जो धारा है वो क्या है? मार्टिन लूथर किंग अपने भाषणों में बार बार कहते हैं कोलिशन ऑफ कॉन्शियंस, कि भाई आप एक बड़ा गठबंधन कैसे खड़ा करें. और मैल्कम एक्स की जो एक धारा है वो वायलेंस, आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड स्ट्रगल इसकी बात करता है. बट ओबामा भी कहीं ना कहीं जो प्रभावित है वो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर से है, ना कि मैल्कम एक्स से. दोनों के अपने रेलिवेंस है, दोनों का अपना वैल्यू है, दोनों की अपनी फॉलोइंग है, बट ये दो धाराएं वहां है. उसी प्रकार भारत में भी आज मुझे लगता है कि एक धारा है जो एक समावेशी, समरस, समतामूलक समाज की बात करती है, और एक धारा है जो अभी भी वायलेंस में, जो अभी भी आर्म्ड रिबेलियन में, जो अभी भी स्ट्रगल की बात करती है. दोनों धाराएं की अपनी अहमियत है और आज जो दलित समाज का युवा है इन दोनों धाराओं में अपने लिए अवसर तलाश कर रहा है. वो चाहे आप, बहुत सारे मूवमेंट है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं, लेकिन मुख्य धारा में भारत में देखो ये पावर का पिरामिड है. इस पिरामिड में पावर ट्रैवल करता है, अपर कास्ट में रहा 30-40 वर्ष, फिर इंटरमीडिएट कास्ट में अभी आया है, पावर और डिसेंट्रलाइज होने वाला है. तो मैं तो इस बात को लेकर के आश्वस्त हूं कि आने वाला समय दलित बहुजनों के नेतृत्व करने का समय है, बिकॉज द पावर इज ट्रिकलिंग डाउन. पावर वॉज इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट,
Now it is concentrated in the hand of intermediary caste. So could we imagine? क्या पिछले 15 साल पहले आप कल्पना कर सकती थी कि देश का नेतृत्व कोई ओबीसी व्यक्ति करेगा क्या? नहीं कर सकते थे हम लोग. हर मुख्यधारा दलों में किस प्रकार हमारी आकांक्षाओं का दमन किया जाता है ये जग जाहिर है. लेकिन पावर की अपनी प्रक्रिया है, पावर की अपनी जर्नी है, वो और फर्दर डिसेंट्रलाइज होगा. तो आज दलित युवाओं युवतियों के समक्ष दो धाराओं का ऑप्शन है. एक धारा है जो कोलिशन ऑफ कॉन्शियंस की बात करता है, एक धारा जो अपने अग्रेशन की बात करता है. इन दो धाराओं में आप अपने अवसर कहां तलाश कर सकते हैं ये आपके ऊपर है. बट हैविंग सेड दैट आई वुड ऑल्सो से दैट वी नीड टू इक्विप आवरसेल्व्स एकेडमिकली. राजनीति में तो सरप्लस है हमारे, देख लीजिए जो आरक्षित कोटे के अपने काउंसलर्स हैं, विधायक हैं, तो सरप्लस है वहां पे. लेकिन अकेडमिकली बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन देखिए, उन्होंने कितनी पुस्तक लिखे, उनका अपना अध्ययन, उनके अपने भाषण, वो किसी भी पॉलिसी को पहले एंटिसिपेट कर लिया करते थे. जो आजकल हम लोग फाइनेंशियल फेडरलिज्म की बात करते हैं, डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, ये उनके अर्थ चिंतन में कितने पहले आ गया था. सो सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करना, वैचारिक राजनीति करना, थॉट पॉलिटिक्स करना, कि आप अपने वैचारिक हस्तक्षेप से, अपने थॉट इंटरवेंशन से, जैसे आप कर रही हैं, आप लीडर अपने स्फीयर में, आप भले ही राजनीति में ना हो, बट यू आर अ लीडर इन योर ओन स्फीयर, यू आर अ वुमन, यू आर अ दलित, सो यू आर इन द कंट्रीज मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन. So this is leadership. Political leadership is not the only leadership which has been the case, but leadership in different institutions, leadership at all levels. We have two options. We need to equip ourselves academically. We need to read. We need to be robust readers. We need to be robust researchers. बिना पढ़ाई के, बिना अध्ययन के अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ नेतागिरी कर लें, उस हाव-भाव में आ जाएं, पढ़ाई लिखाई और आंदोलन ये दोनों बहुत जरूरी है. सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करना. अंतिम सवाल के रूप में मैं आपसे ये कहूंगी कि हमारे जो स्वच्छकार समाज के लोग हैं या तमाम जितने जो हमारे दर्शक हैं, सारे युवाओं को, आप खुद आप युवा हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैंने तो इतने साले सवालों के उत्तर के माध्यम से मैंने काफी संदेश देने का प्रयास किया है. बट आई थिंक जब हम लोग बाबा साहब को याद करते हुए एडुकेशन, ऑर्गेनाइज और एजिटेशन की बात करते हैं तो एजिटेशन में ज्यादा रहते हैं, एडुकेशन और ऑर्गेनाइज में हम लोग पिछड़ जाते हैं. तो अपने आप को एडुकेट करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, जहां है वहां पे संबंध बनाना, जहां संभव हो वहां अध्ययन करना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन दो चीजों का बेनिफिशियरी मैं स्वयं रहा हूं, अध्ययन कहिए या संपर्क संबंध कहिए. और इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी एम्बेरस नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैंने आज आपसे बात कह दी, मेरे मन में ये बात बहुत दिनों से थी कि भाई मैं साइकोलॉजिकली बहुत प्रभावित रहता था कि ये झालर मुझे देख रहा है क्या, कि झालर मुझ पर गिर जाएगा क्या. So the fact that we can have fresh conversation, मैं नहीं कह सकता था किसी और को बात, पता नहीं मैं आपसे मतलब क्या मुझे वॉर्म्थ मिला जो मैंने आपके सामने कह दिया. शायद मेरे दूसरे मित्र नहीं समझते इस बात को. जो गैर दलित समाज से मेरे मित्र आते हैं वो कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, झालर थोड़ी गिरता है. बट इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो वही समझते हैं. मतलब वो कहेंगे अरे तुम तो डीपीएस में पढ़ाई की तुमने, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, इतना अच्छा भाषण देते हो, तुम कैसी हाँ बेहुदा बातें कर रहे हो. तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को फ्रेश कॉन्वर्जेशन करना चाहिए, ऐसी परिचर्चाओं का आयोजन, ऐसे अध्ययन का आयोजन, और एक यूनिटी में, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हाउ डू वी कम फॉरवर्ड एंड हाउ डू वी एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप. क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर मैं अकेला जाऊंगा और सरकार से कहूंगा कि भाई रोस्टर सिस्टम हो रहा है, रोस्टर सिस्टम को आप लोग रीथिंक करिए, अगर मैं, कौशल जी और पूरे देश भर से 25 साउंड एकेडमिक्स आते हैं और एक प्रेशर ग्रुप की तरह हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये नीतियां हैं, इसमें आप लोगों को हमारी बात सुननी होगी और आपको ये परिवर्तन करना होगा, तो आप स्वयं बताइए मेरी बात में ज्यादा वजन होगा कि संगठन की बात में ज्यादा वजन होगा? दूसरे संगठन की बात. एग्जैक्टली, तभी तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, वी नीड टू एडुकेट एंड ऑर्गेनाइज. द टू मैसेजेस इज एडुकेट एंड ऑर्गेनाइज एज वेल एंड इफ नीड बी देन एजिटेट एज वेल. थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा विस्तार से दलित समाज के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जिस तरीके से वो सामना करेगा, अवसर क्या क्या है, तमाम पहलुओं पर हमसे बातचीत करी. आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही इन्हीं ऐसे ही विषयों पर जो बहुत रेलिवेंट है, हम सबसे जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि हमारे तमाम जो दर्शक भी हैं उन सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आपके मतभेद हो सकते हैं किसी इश्यूज पे, किन्हीं चीजों को लेकर, आंदोलन के मोड ऑफ एजिटेशन क्या है उसको लेकर भी हो सकती है, लेकिन डायलॉग हमारा बना रहना चाहिए. जो मुझे लगता है आपसे, हालांकि मैंने सवाल किया था कि आज का युवा क्या सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के युवाओं में
हमारे बीच में डायलॉग बहुत कम हुआ है। हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। हम अपने अपने मोहरों में काम कर रहे हैं, अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं। उस दायरे के बाहर जाके कि मैं डॉक्टर गुरु प्रकाश से ये सलाह ले लूं कि इस इश्यूज को हमें कैसे एड्रेस करना चाहिए, वो क्योंकि एक जानकार है, मुझे उनके पास जाना चाहिए, ये मैं ना करके, बल्कि मैं ये मानती हूँ कि नहीं, वो अपना काम कर रहा है, करता रहे, हम अपने तरीके से करें, जिससे हमारा मूवमेंट धीरे धीरे छूटता भी जा रहा है कहीं ना कहीं। जो एक बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठित बनो की भावना जो हमारे बीच में दी थी, वो मूल मंत्र से हम खुद, हमारा दलित बहुजन समाज पिछड़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। हम लोगों के बीचों में डायलॉग बहुत कम है। करेक्ट। और वो इसलिए भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि जातियों के अंदर का जो जातिवाद है। कल मैं किसी से पूछ रही थी, ये मेरा अंतिम बातचीत है आपकी पूरी बातचीत को लेकर, कल हमारे बीच में गीताश्री जी एक कहानी को लेकर चर्चा कर रही थी, एक बहुत बड़ी प्रख्यात लेखिका है, तमाम भारत का कोना कोना जानता, उन्होंने ये स्वीकार किया कि आप तो दलितों की बात कर रहे हैं, बीच में दलितों में छुआछूत है, यहाँ तक कि जिसको आप हर वक्त ये कहते होते हैं ब्राह्मण, उनके अंदर भी छुआछूत है जो वो कभी भी सामने नहीं दिखाते, मुद्दों पे लड़ते हैं, बातचीत करते हैं और पॉलिसी मेकिंग में है। ये चीज हम जानते हुए भी हम नहीं स्वीकार कर पा रहे। हम लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो तभी खत्म होंगे मुझे लगता है जब हम एक टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे। जब तक हम टेबल पे बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, स्वच्छकार समाज की जो समस्याएं हैं, जो सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकली, फिजिकली और ये कहें कि साइकोलॉजी एनालिसिस जब तक इन जातियों का नहीं होगा, तब तक प्रतिनिधित्व का सवाल जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो आपने आज अपनी बातचीत में जो चुनौती जिसके ऊपर हमने आज विषय पे रखा भी था कि दलित समाज के समक्ष जो चुनौतियां हैं, वो चुनौती का सामना भी मुझे लगता है तब तक वो नहीं कर पाएंगी हमारी अपनी ही जातियां जिस तरीके से मजबूती की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज जो नया भारत है टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जातिगत संस्थाएं बहुत स्ट्रांग है, इसका सामना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने बीच में संवाद को स्थापित नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर गुरु प्रकाश जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को, हमारे तमाम लोगों को दिया। हम चाहते थे कि ये डिबेट लाइव हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि इसको रिकॉर्ड किया जाए। टेक्नोलॉजी का मामला है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उस टेक्नोलॉजी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और हम कर भी रहे हैं क्योंकि ये अधिकार हमारे पास भी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। नहीं नहीं, मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन का इतना कंस्ट्रक्टिव उपयोग आपने किया है। मुझे लगता है कि जितने भाषण आपने दे दिए होंगे शायद ही किसी और प्रोफेसर ने दिया होगा, और भाषण के साथ साथ ऐसे एंगेजिंग सेशंस, बस वही एंगेजमेंट्स बहुत जरूरी हैं। ये बेसिकली संवाद है। करेक्ट, करेक्ट। मैं स्वच्छकर समाज की आवाज की तरफ से एक संवाद स्थापित करना चाहती हूँ जो हमारे बीच में कहीं से छूटा हुआ है। हो सकता है कुछ इश्यूज पे आप मुझसे एग्री ना करते, हो सकता है दूसरा भी कोई एग्री ना करता, हो सकता है कई बार नाम को लेके भी एग्री नहीं कर रहे लोग बहुत सारे कि आपने ये नाम क्यों रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, चर्चा कर लेते हैं। तो ये चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक आप संवाद बीच में स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम कैसे संकेत होंगे, कोई नहीं सकते। और ये तो सदियां गवा रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो क्या थी, अगर हम एक शब्दों में कहें, एक सीधा सा सवाल पूछा जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, वो ताकत थी अपने समाज को जोड़ के रखने की, और उन्होंने जोड़ा है। सिर्फ एक जाति के मसीहा नहीं रहे, उन्होंने न केवल दलित बहुजन समाज की जातियों को जोड़ा बल्कि तमाम गैर दलित जातियों को भी उतना ही जोड़ा। हम जानते हैं उनका ट्रांसलेशन जो किताबों का है किसने किया, अप्रकाश का व्यक्ति है। मतलब मैं ये शब्दों में बड़ा ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप देखिए ना कि इसका मतलब ये हो कि उनके संगठन में इतनी ताकत थी, उनके अंदर संगठित करने की इतनी ताकत थी कि तमाम भारतीय समाज जो गैर बहुजन था, गैर दलित था, उसको भी उन्होंने एक तरह से इस सामाजिक न्याय के सवाल पर इकट्ठा किया था। तो तमाम, इसलिए भारत का आज सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर है। इन शब्दों के साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।